विराट कोहली का आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट रहा? हाँ, काफी हद तक। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस लय में दिख रहे थे, और हम सब जानते हैं कि कितना बेहतर चेज करते हैं विराट, तो जरूर ये कहूंगा कि वो एक टर्निंग पॉइंट था और बहुत अच्छा कैच पकड़ा वेंकटेश अय्यर ने। सूर्य शर्मा को पावर प्ले में आक्रमण पर लाना मास्टर स्ट्रोक था, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस वक्त लेके आए, उसके पहले 29 रन पड़ चुके थे दो ओवरों में, एक गैम्बल से आप कह सकते हैं, लेकिन एक दिलेरी भरा गैम्बल दिखाया वहां पर नितेश राणा ने, और सच भी साबित हुआ, सही साबित हुआ। नितेश राणा का दो दो कैच छोड़ना बैंगलोर को भारी पड़ गया, बिल्कुल, क्योंकि तब तक नितेश राणा जो थे वो उतना ज्यादा तेजी के साथ रन नहीं बना रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके वो दो कैचेस छूटे, उसके बाद फिर बड़े शॉट खेलने लगे, और उसके बाद 200 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट रहा, और कहीं ना कहीं जो मोमेंटम होता है मैच का वो भी घूमा उन ड्रॉप कैचेस से और उस पारी से। KGF यानी कोहली, ग्लेन और फाफ के अलावा बैंगलोर की बल्लेबाजी में दम नहीं। एक क्रिकेटर होने के नाते या एक्स क्रिकेटर होने के नाते कहूंगा ना, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से बाकी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, शायद आंसर हाँ होगा, जरूर मैं चाहूंगा, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं उस खेमे में जो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उतना ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल नहीं रहा उनके बल्ले से। कोलकाता की स्पिन तिकड़ी ने आज उनके कमजोर पेस अटैक पर पर्दा डाल दिया, काफी हद तक। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब पहले दो ओवर तेज गेंदबाजों ने डाला तो 29 रन पड़े, उसके बाद जो स्पेल देखा हमने सुयश से और वरुण से, काफी हद तक जो है मैच को अपनी तरफ कर लिया था KKR ने इन दोनों स्पेल से। जेसन रॉय के तौर पर कोलकाता की एक सलामी बल्लेबाज की खोज पूरी हुई, बिल्कुल, अभी तक 3 पारियां खेली हैं, 43 और 2 अर्धशतकीय पारी, और एक चीज तो तय है कि जेसन रॉय अगर रन बनाएंगे तो तेजी के साथ ही बनाएंगे, तो और एक ये मसला भी रहा है कोलकाता के साथ पिछले 1-1.5 साल से कि काफी सारे ओपनिंग पेयर्स आए, ओपनिंग बल्लेबाज आए, लेकिन अब देख के लग रहा है जेसन रॉय जो है वो एक तरफ तो सेटल हैं।